जहांगीरपुरी बनी बुलडोजरपुरी। दंगे का एक्शन, बुलडोजर रिएक्शन। अवैध कब्जे पर एमसीडी का चला बुलडोजर। हाल के दिनों में यूपी से चला बुलडोजर मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए राजधानी दिल्ली पहुंच गया है। जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे के खिलाफ एमसीडी ने बुलडोजर अभियान चलाया, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। बुलडोजर एक्शन को लेकर जहांगीरपुरी से लेकर कोर्ट के दरवाजे तक आपाधापी मच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तकरीबन 3 घंटे में बुलडोजर पर ब्रेक लगा, लेकिन ब्रेक लगने से पहले बुलडोजर काफी कुछ तबाह कर चुका था। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने एमसीडी के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। नहीं देखो, ये सरकारी जमीन पे इन्होंने कब्जे करके कबाड़ हटा रहे हैं, आप लोग खुद ही हटा रहे हैं, हम तो उनके साथ ही लग गए। नहीं देखो, ऐसे ही ये कार्रवाई तो पहले भी होनी थी। यहाँ के जो लोग थे बहुत परेशान थे, क्योंकि जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, निकलने में आने जाने में जो ट्रैफिक जाम हो रहा था, उसी जो चीज़ों को दूर करने के लिए हमने ये एक्शन लिया। अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर एक बार मैं देख लेता हूँ, जैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको हम फॉलो करेंगे। सुबह करीब 10 बजे बुलडोजर चलना शुरू हुआ। एमसीडी के अधिकारी सुरक्षा बल के दस्ते के साथ पहुंचे, अवैध कब्जे वाले इलाके को ढहाना शुरू कर दिया। अतिक्रमण को लेकर के राजधानी दिल्ली का ये सबसे बड़ा अभियान मैं कहूंगा, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो यहां पर हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर जो है वो चलना शुरू हो चुका है। और इस बुलडोजर को लेकर के आपको याद होगा कि इस बुलडोजर की कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी चुनाव से ठीक पहले, और जिस तरीके से माफियाओं के घरों पे चला था, और अब ये जो बुलडोजर है ये राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से आपको दिखाई दे रहा है। और एमसीडी की कार्यवाही जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और जो ये बुलडोजर है ये अवैध जो निर्माण है उन अवैध निर्माण को हटाने का जो काम है वो इस बुलडोजर के माध्यम से लगातार जो है वो किया जा रहा है। हालांकि अभी एक ही बुलडोजर ये पहुंचा है। हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी के मस्जिद के सामने से गुजर रही शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और दंगे से शुरू हुआ विवाद बुलडोजर तक पहुंच गया। एमसीडी की कार्रवाई उस मस्जिद के सामने भी हुई जहां से बवाल शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने से पहले जामा मस्जिद तक बुलडोजर पहुंच गया था। मस्जिद के आसपास बने कुछ निर्माण को ढहा दिया गया, जिसे सड़क पर अतिक्रमण करके बनाया गया था। यहां तक कि मंदिर के बाहर भी बुलडोजर ने अवैध निर्माण को हटाया। लोगों ने बिना नोटिस के बुलडोजर चलाने का विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें कॉलोनी के अंदर ही कैद कर दिया। बुलडोजर चलने की खबर मिलते ही लेफ्ट नेता वृंदा करात मौके पर पहुंची, बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने वृंदा करात को हटाया। इस पर लेफ्ट नेता ने मौजूदा अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया। बीजेपी कानून को अपने हाथ में लेकर अपने क्या कहेंगे संकीर्ण राजनीतिक एजेंडा को, पोलराइजेशन की, सिलेक्टिव पोलराइजेशन के एजेंडा को, ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एजेंडा को हमारे देश के ऊपर थोपने का प्रयास जो कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लिया है। बुलडोजर चलने को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी काफी खफा नजर आए। उन्होंने केंद्र और केजरीवाल सरकार को घेरा, तो वहीं विपक्ष के आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया। हम जामा मस्जिद गए अभी, इससे आगे हमको पुलिस जान नहीं दी। जो आज जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ, जो सरासर जुलुम है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है। अभी तो माए देखने, कल फिर देखेंगे क्या करना है। जहांगीरपुरी में जो एमसीडी की कार्यवाही रही है उस पर विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वो अपने आप में चिंताजनक और दुखद है।
और विपक्ष हर विषय को धर्म के चश्मे से देखने का प्रयत्न करती है, हर विषय को हिंदू और मुसलमान में बांट करके कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास करती है, जो उचित नहीं है। कानून संवत कार्यवाही की गई है, वैधानिक कार्यवाही की गई है, पूरा विषय कोर्ट में भी है। इस विषय पर इस प्रकार की राजनीति करना बिल्कुल दुखद चिंताजनक है। बुलडोजर को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और बीजेपी पर गरीबों का घर उजाड़ने की तोहमत लगा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए करारा वार बीजेपी पर किया। ये भारत के संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है, ये सत्ता की तरफ से गरीबों और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी को अपने दिल में भरी नफरत पर बुलडोजर चलाना चाहिए। बुलडोजर चलने की खबर जैसे सामने आई, विपक्ष ने लगातार केंद्र को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर लाल हो गए। ध्यान हटाने का और लगातार अगर अवैध अवैध कौन तय करेगा, बुलडोजर चल रहा है। आपने कहा सर बुलडोजर को प्रतीक चिन्ह बना लें, सरकार तो खुद ही अवैध है। जिस तरीके का जन मानस का समर्थन था वो समर्थन वोट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन अवैध सरकार खुद बनी तो इस सरकार को बुलडोजर कब चलेगा। विपक्ष भले ही कितना भी हमलावर हो, बीजेपी विपक्ष को खुलकर जवाब दे रही है। ऐसे में अब इंतजार बुधवार का है, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई करेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलेगा या फिर बुलडोजर पर ब्रेक लगेगा।